जी हाँ, अभी हाल ही में एक बड़ी खबर आई है और वो है कन्हैया कुमार को लेकर। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर हर किसी के जहन में तमाम सवाल हैं। ऐसे में क्या कन्हैया कुमार अपनी जगह बना पाएंगे, इस सवाल का जवाब हम तो आपसे चाहेंगे और इसके लिए आप हमें हमारे इस चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के इस रिपोर्ट के बिलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, अपनी राय पेश करें। अब अगर कन्हैया कुमार का साथ स्वरा भास्कर देंगे तो क्या लगता है आपको, कन्हैया कुमार के लिए जीत तय करना और भी आसान होगा? जी हाँ, खबर आई है कि बिहार के बेगूसराय लोकसभा सीट पर जाकर जहां लोगों की तमाम नजरें टिकी हैं, वहां इस सीट से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष CPI उम्मीदवार कन्हैया कुमार अब चुनाव लड़ेंगे, ये सभी जानते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है कन्हैया, जिन्होंने अब तक ना जाने कितनी बार भाजपा पर निशाना साधा भी है, भाजपा को लेकर तमाम बातें की है। ट्विटर पर इसका आपको कई सबूत देखने को मिलेगा। खैर, यहाँ हम बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार की, तो आपको बता दें अब जो बड़ी खबर आई है वो ये है कि बॉलीवुड से तमाम बड़े नाम सामने आ रहे हैं जो कन्हैया को सपोर्ट करेंगे। इस खबर है कि स्वरा भास्कर ही नहीं बल्कि स्वरा के अलावा दो और बड़े चेहरे हैं जो कि स्वरा भास्कर के साथ नामांकन में शामिल करेंगे अपना नाम। जावेद अख्तर और शबाना आजमी का नाम आप जानते ही हैं, पॉलिटिक्स से अक्सर जुड़ा रहता है क्योंकि उनकी बातें होती है काफी ज्यादा अनोखी। ऐसे जावेद अख्तर और शबाना आजमी को लेकर ये खबर आई कि बॉलीवुड से वो अपना नामांकन, जी हाँ, बॉलीवुड से वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वरा का नाम भी सामने आया है। इन दिनों बेगूसराय से ही कन्हैया कुमार के साथ स्वरा भास्कर को लेकर खूब बोलबाला है और कन्हैया के सपोर्ट में स्वरा प्रचार प्रसार में काफी समय से जुटी है, जिसे लेकर काफी विवाद भी बीते दिनों हुआ जब स्वरा ने तारीफ में कन्हैया के तारीफों में पुल बांधे ट्विटर पर पोस्ट शेयर किया, जिसके बाद स्वरा भास्कर अपना 31वां जन्मदिन बेगूसराय में ही मनाने का फैसला कर चुकी है, ये भी खबर आ चुकी है। जी हाँ, माने अगर कुछ रिपोर्ट्स की तो कन्हैया कुमार के छोटे भाई प्रिंस कुमार ने एक बड़ा खुलासा किया है। हाल ही में उन्होंने एक रिपोर्ट के मुताबिक जवाब दिया है कि उन्हें पूरी उम्मीद है शबाना आजमी और जावेद अख्तर इस तारीख यानी कि आज के 9 अप्रैल को नामांकन के समय मौजूद जरूर रहेंगे, इसकी उम्मीद जता रहे हैं प्रिंस कुमार। तो वही चुनाव अभियान के समय वो जरूर से जरूर कन्हैया का साथ देंगे, प्रिंस कुमार के भाई का साथ देंगे। साथ ही साथ आपको बताते चले कि बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री कही जाने वाली, बेबाक बोल के लिए जाने जाने वाली स्वरा भास्कर ने कन्हैया के नामांकन में साथ देने का साथ फैसला किया है। बता दें हम आपको, इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं जो कि शामिल हो सकते हैं इस लिस्ट में, जिसमें एक्टर प्रकाश राज, जिग्नेश मेवाड़ी, हार्दिक पटेल और शेहला राशिद, इन सब के नाम सामने आ रहे हैं जो लोकसभा इलेक्शन 2019 के लिए पूरी तरह से फॉर्म में है। देखना होगा कि स्वरा और कन्हैया के साथ होने पर कन्हैया के लिए कितनी बड़ी ताकत स्वरा बनती है। आप इस पर राय जरूर दें। तब तक के लिए नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज और आज नेक्स्ट 9 न्यूज की इस रिपोर्ट को लेकर आई थी मैं तृप्ति।